यह है 2017 की बात कि पायलू की आवाज से छम 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 करते मेरे पास आई। फेस मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा था, मेरा सिर्फ उसके पांव नजर नहीं आ रहे थे मेरे। पानी वानी की बोतल छोड़ के भागा, मैं पहुंच भी नहीं पाया था गाड़ी के पास, उससे पहले मैं बेहोश हो गया। मेरे ऊपर कुछ चढ़ गया, खूबसूरत थी, हसीन थी, सब कुछ थी, शादीशुदा आदमी के साथ जो शारीरिक संबंध होते हैं वो सब कुछ हुआ मेरे साथ। और मैं इस घटना की निंदा भी करता हूँ कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। और तब से मैं ऊपर वाले पे भी भरोसा करता हूँ कि हाँ नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्सपीरियंस करके ना, मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ। सो सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना पवलकी। तो गाइस, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वीडियो के अंदर एक ऐसे सर का मैं आपके लिए इंटरव्यू लेके आया हूँ, जो गाइस अपने ऊपर आप भी थी आपको बताएंगे कि हॉरर वीडियोस, ये मूवीज जो भी होती है, ये क्या रियल होती है या फिर एक ये मनगढ़ंत कहानी है। जो उनके ऊपर बीती है वो वही बताएंगे। ठीक है गाइस, करते हैं स्टार्ट और उन गेस्ट से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। तो गाइस, ये रहे हमारे गेस्ट जिनका नाम है इकबाल खान। तो सर, और बताइए कैसे हैं आप? तकी जी, कैसे हैं सर? काफ़ी टाइम बाद हमारी बात हुई। तो सर, जो आप हमको बचपन में जैसे सुनाया करते थे स्टोरीज, वो आपके साथ जो जो हुआ, तो आप, मैं कह रहा हूँ दर्शकों को भी बताओ। स्टोरी मैं नहीं सुना रहा, मैं जेरी जो मेरी बात है, मैं ओरिजिनल मेरी जो साथ मेरा बीता हुआ है वही मैं बताना चाहता हूँ, वही मैं ही। अच्छा, तो मतलब रियल था सर? मैं अपना रियल जो अपना दिखाना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे साथ जो बीता है वही मैं बताना चाहता हूँ जी। और बताएं। तो सर, मैं वो स्टोरी की बात कर रहा था जब हम छोटे थे ना, आप हमें सुनाया करते थे जब आप ओडिशा गए थे टूर पे। जी, मैं पहली बार गया था ओडिशा। हाँ जी, तो मैं गया राहुल किला, एक जगह है, एक सिटी का नाम जी उड़ीसा में है, राहुल किला, इस्पात नगरी जी। तो वहाँ गया था, तो वहाँ जो क्या है कि आयरन के मतलब माइंस वगैरह हैं। अच्छा, आयरन की माइंस वगैरह हैं। तो मैं उस जगह पे मैं ड्राइविंग करता था, तो मैं अचानक, सर ये कब, वैसे कब की बात है? ये है 2017 की बात। वो किस 2017 की बात है, मैं ड्राइविंग करता था। ड्राइविंग करने के लिए मेरे साथ सवारी गई, सवारी के मतलब मैं लेके गया था स्टाफ वगैरह। तो मुझे तो उस जगह का मालूम ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो जिसे की कारण ये है कि मैं गया, उनको छोड़ा, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, गाड़ी गर्म होने लगी अचानक, तो सवारी तो उतर के चलेगी। अब मैं वहाँ पे मतलब पानी की तलाश में गया, तो जाने के बाद मतलब एक वहाँ पे एक तालाब मिला मेरे। तो वहाँ से मैं जो भी है, मेरे पास बोटल्स वगैरह थी, प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह जो है, अपनी पोप वगैरह की 2-2 लीटर की, मेरे पास दो बोतलें पड़ी थी मेरी गाड़ी में। मैंने पानी भर के लेके आया, मैंने थोड़ा डाला पानी। इतनी देर में मैं क्या देखता हूँ कि एक लाल जोड़े के अंदर, अच्छा, एक गर्ल्स जो कि पायल की आवाज़ से छम 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 करती मेरे पास आई। तो ये रात का टाइम है या दिन का? ये रात का टाइम था, करीब 8:30 बजे का, 8:30 बजे शाम की बात है मुझे। और अचानक मुझे देख के मैंने कहा, अरे तेरे तो इस तरफ चारों तरफ कुछ भी नहीं है, खाली खाली है, अंधेरा अंधेरा लग रहा है, यहाँ तो कुछ भी नज़र मेरे को नहीं आ रहा है। के अलावा मुझे थोड़ा डर भी लगा, खौफ लगा मेरे को। ऑब्वियसली बात है जी, जाहिर सी बात है कि वहाँ जब आसपास कोई नहीं है तो मुझे जाहिर कि खौफ लगने ही लगना है मुझे। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके मतलब मैंने, हो सकता है कोई परेशान हो कोई, तो मैंने जो है उनसे बात करना चाहा, उस लेडी से जो भी मेरे पास करीब आई। उनका फेस दिख रहा था? फेस मेरे को पूरा क्लियर दिख रहा था मेरा, सिर्फ उसके पाँव नज़र नहीं आ रहे थे मेरे। अच्छा, ये ऊपर मतलब है, थोड़ा सा अजीब भी मेरे को लगा कि मतलब कि पायल की आवाज़ आ रही है छम छम छम, और मतलब मुझे पैर नज़र नहीं आ रहे हैं इसके। फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके मतलब मेरे को अंदर से तो डर लग रहा था, घबराहट भी हो रही थी, फिर भी करके मैंने हिम्मत करके मतलब मैंने उसे जानना चाहा कि मतलब कि आप क्या क्या परेशानी है, या कहीं छोड़ना है, मेरी तो खुद गाड़ी ख़राब है, या मेरी हेल्प करने के लिए आई है। तो मुझे मालूम नहीं, उससे मैंने मालूम किया तो, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोलने के बाद सिर्फ ये कि मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, वो आपको कहने लगी है? जी, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तेरे को अपना बनाना चाहती हूँ, तभी तेरी मैंने गाड़ी ख़राब की है मेरा। अच्छा, वो ऐसा कह रही थी कि मैंने आपकी गाड़ी ख़राब की है? जी। उसके बाद मैंने कहा मैं तो इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं, और मेरे तो और भी ज़्यादा मतलब मेरे को घबराहट और डर लगने लगा। देखा कि मतलब आसपास देखा, कोई भी नज़र नहीं आ रहा।
तो मैं तो मुझे डर लगा, मैं तो वहाँ से पानी वानी की बोतल छोड़ के भागा मैं। अच्छा सर, वहाँ जब चमचम की आवाज आई तो मतलब आप अकेले थे उस एरिया? अकेला ही था वहाँ, कोई नहीं था, सवारी भी जा चुकी थी। अच्छा, जो स्टाफ था वो चला गया था, मुझे वहाँ कोई नजर नहीं है। सम छम छम छम, मतलब कि जैसे कि पायल की पूरी आवाज़, मुझे मालूम ही नहीं है। मैं वहाँ देख रहा हूँ कोई नहीं है, आगे पीछे नहीं है, मेरे को तो डर लगा मुझे। मैं वहाँ से भागा बोतल वोतल छोड़ के, मैं भागा गाड़ी की तरफ, गाड़ी की तरफ। और मेरे गाड़ी से आप दूर आ चुके थे? गाड़ी से दूर आ गया था पानी लेने के लिए, नदी थी वहाँ पे। हाँ जी, तो देखा कि वहाँ छम छम की आवाज़ आ रही है और वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे डर लगा, मैं भागा गाड़ी की तरफ। मेरे को इतना डर लगा कि मैं रुक ही नहीं पाया। मैं वहाँ, मुझे इतना डर लगने लगा, मैं आया उसके बाद आया, मेरे पीछे पीछे छम छम छम, जैसे कि मैं भाग रहा हूँ तो मेरे पीछे भी कोई भाग रहा है। अच्छा अच्छा, जैसे आप जा रहे थे पीछे के पीछे के साथ? हाँ, वैसे साथ साथ मेरे साथ भाग रहे। मुझे इतना डर लगा, इतना डर लगा कि मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। आने के बाद मुझे, जब मैं वहाँ गाड़ी के पास ही पहुँच भी नहीं पाया था गाड़ी के पास, उससे पहले मैं बेहोश हो गया। मतलब आप गाड़ी से इतनी दूर आ चुके थे? गाड़ी से इतना दूर आ गया था मैं, कम से कम भी तो नहीं तो 500 मीटर दूर। 500 मीटर दूर, 500 मीटर दूर आ गया। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे आके मेरे को, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मेरे कपड़े वगैरह फटे हुए थे, नाखून वगैरह उठे। तब सुबह जब मेरे को एक शख्स ने आके मतलब मेरे को उठाया वहाँ पे, मेरी गाड़ी का बोनेट वगैरह खुला हुआ था, दरवाज़ा वगैरह खुला था, गाड़ी की चाबी लगी हुई थी। तो मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, मुझे किसी ने मतलब मेरे ऊपर कोई हावी हो गया। दिन में भी, बाद में, रात में, जब ही शाम के टाइम, मतलब जब मेरे को बेहोश होने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई हावी हो गया। मेरे ऊपर इतना वजन, मेरा वतन टूट रहा था, मेरे को मतलब भारी भारी लग रहा, जैसे ये घर आने के बाद, ये घर आने के बाद, घर आने के बाद नहीं, वहीं पे उसी जगह पे जब आप भाग रहे थे। जी, भाग रहा था। भागने के बाद मैं, जैसे मैं गाड़ी के पास भी नहीं पहुंचा हूँ, गाड़ी मतलब करीब मेरी वहाँ से होगी तो कम से कम भी मेरा 15 से 20 कदम दूर, तो मुझे होश ही नहीं, मतलब कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे ऊपर ऐसे लगा कि जैसे कि मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है, मेरा पूरा बदन मतलब दबा लिया मेरे ऊपर, ऐसे लगा कि कितना वज़न मेरे ऊपर आ गया। और मैं वहाँ पे जैसे ही मतलब मेरे ऊपर कोई आबी हुआ है, उसके बाद मुझे होश नहीं, मैं बेहोश हो गया हूँ। मुझे सुबह जब किसी शख्स ने आके मतलब पानी वानी डाला मेरे ऊपर, तब मुझे होश आया। मेरे कपड़े वगैरह फटे हुए हैं, मेरे नाखून वगैरह लगे हुए हैं, मेरे चेहरे पे भी नाखून लगे हैं, मेरे बदन पे भी चार तरफ नाखे, पूरे नाखूनों के निशान लगे हैं, ब्लड वगैरह भी आया हुआ है। अच्छा, तो मतलब उसके बाद मेरा बदन ऐसा हुआ सुबह कि मतलब कि जैसे मेरे को किसी ने कितना मेरे को मारा है। अच्छा, के बाद क्या हुआ कि उस शख्स से मैंने पूछा, उठा मेरे थोड़ा बहुत, उसने मेरे को रिलैक्स किया, समझाया कि मतलब यहाँ कैसे फंस गए, क्या है क्या नहीं, मतलब आपसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे आए यहाँ, कैसे गाड़ी खड़ी करी हुई है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसे बेहोश पड़े हुए थे या किसी जानवर वगैरह ने कोई हमला किया है। तो उसको मैंने अपनी कहानी बताई। सर वैसे ये स्टोरी उड़ीसा की है? उड़ीसा राउरकेला आपका जो है टेंसा, टेंसा टेंसा में एक माइंस वगैरह एरिया है। हाँ जी, हाँ जी, कि वहाँ जो भी है जितने भी पहाड़ी पहाड़ है, टोटल हिल स्टेशन है, क्या मतलब कि आयरन है वहाँ। अच्छा, आयरन, आयरन की माइंस है। ओके, तो मैं वहाँ ड्राइविंग करता था गाड़ी का, मेरी गाड़ी वहाँ अचानक ख़राब हो गई, गर्म होने के बाद मैं पानी लेने के लिए गया, तो मेरे साथ ये हादसा हुआ। हाँ जी, उसके बाद मैं जब वापस मतलब सुबह जब मुझे होश आया, तो मेरे को इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके रिपेयर करा के आ गया, हर शाम जैसे अंधेरा होने लगता था, मेरे अंदर एक डर पैदा हो गया। जब आप आए तो डेली आपके साथ शाम में होने लगा? डेली शाम को मेरे साथ होता था, कि घबराहट होती थी, डर लगता था, पायल की आवाज़ आती थी, मेरे कानों के अंदर वही आवाज़, पायल की आवाज़, छम छम छम, जो आपको झील के पास सुनाई देती थी, जो झील के पास सुनाई देती थी, जो मेरे को बेहोश होने तक, जब मैं, मेरे ऊपर ऐसा लगा था कि वजन आया मेरे ऊपर भारी, कोई चीज हावी हुई है, कोई मेरे ऊपर कोई हैवी, मेरे ऊपर कोई चढ़ गया। अच्छा, उसके बाद से वही मेरे साथ रात को
कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, ये डेली डेली मेरे साथ होने लगा। मैं दिन पे दिन कमज़ोर होता गया, मेरी हालत अभी भी देख रहे, पहले ही देखी थी मेरी सेहत, और अब देखूँ क्या हाल है। उसके बाद से मतलब मैं दिन पे दिन कमज़ोर होता गया, मेरे साथ ऐसा सा हो रहा था कि जो नहीं होना चाहिए, मैं बता भी नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता। और सर ये मतलब कौन से सन की है, मतलब कब की बात है ये? 2017 की बात। 2017, सो गाइस अभी 2023 चल रहा है और ये 2017 की बात है जी। 6 साल हो गए। 6 साल हो चुके हैं। 6 साल हो गए। मैं 6 साल में फिर मैंने कितना भी हिम्मत करके, एक तो ये ऐसी बात थी कि मैं घर वालों को भी नहीं बता सकता था, एक शर्म वाली बात, मैं ऊपर अपनी कहानी नहीं बता सकता जो मेरे साथ हुआ है। बाकी आप समझदार हैं, जो मैं बयान करना चाहता हूँ, मैं सामने पब्लिक के सामने नहीं बयान कर सकता, मैं बयान करने लायक भी नहीं है। उसके बाद मैं तो धीरे धीरे मतलब मैंने कितना हिम्मत करके मैंने अपने पापा को भी नहीं बताया, भाई को भी नहीं बताया, मेरी माँ को भी टेंशन होने लगी कि खाना भी नहीं खाता है, क्या है, खाना तो मुझे खाने ही नहीं देते। अच्छा, खाया ही नहीं जाता था खाना, मुझे साफ दिखता था कि मेरे साथ में एक लेडीज है लाल जोड़े में, लेकिन मेरे को उसके पैर नज़र नहीं आते थे, चेहरा नज़र आता था, खूबसूरत थी, हसीन थी, सब कुछ थी, जो एक आदमी के साथ, शादीशुदा आदमी के साथ जो शारीरिक संबंध होते हैं, वो सब कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं घर में बयान नहीं कर सकता था, घर वालों को नहीं बता सकता था। फिर भी हिम्मत करके मेरी माँ ने काफ़ी टाइम में उनको जोर डाल के, डरा के पूछा, कसम दे के मेरे को पूछा, फिर मेरे को उनको बताना पड़ा कि मेरे ऐसे ऐसे साथ हुआ है। उसके बाद फिर हमारे वहाँ पे पास में एक राहुल किला के पास में एक बस्ती है, राहुल अपना नाला रोड, हाँ जी, तो वहाँ मेरे को एक मस्जिद है वहाँ पे, उनके जो इमाम साहब हैं उनके पास मेरे को लेके गए। आज मैं आपको यही पूछने लगा था कि आप किसी बाबा से या कुछ जाना चाहिए। मैं गया था इमाम साहब के पास, गया था, एक कारी साहब है, हाँ जी, उनके पास लेके गई थी मेरी मम्मी जी। मैं इन चीज़ों को नहीं बिलीव करता था कभी भी, हाँ जी, लेकिन आप दिखते थे मेरे को, दिखती थी, डेली दिखती थी, जब मेरे को शाम को 6 बजे के बाद मुझे नज़र आना ही है, 6 बजे, कभी 7 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, मतलब मैं पूरी रात नहीं सो पाता। अच्छा, जिसकी वजह से मेरी आंखों में, आंखें भी मेरी कमज़ोर हो गई, मुझे कम नज़र आने लगा, भूख भी नहीं लगती थी, खाना भी नहीं खाया जाता था, टेंशन दिमाग में सारा दिन टेंशन, गाड़ी भी नहीं चला पाता था, गाड़ी भी छोड़ दी थी मैंने। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब वो उन्होंने मेरे ऊपर हाजिर करा क्या नहीं करा, लेकिन उस टाइम पर भी मैं बेहोश हुआ था, उनके पास जाके जाने के बाद भी बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद उन्होंने मेरे को ये ताबीज़ वगैरह दिया है, जी मैंने ताबीज़ बांधा है, ये एक मेरे को ये दिया है उन्होंने, अच्छा, ये बांधने के लिए कड़ा, एक ये ताबीज़ ब्रेसलेट भी, नहीं ब्रेसलेट मेरा अपना, ये अपना अपना ये दिया है, एक उन्होंने पढ़ के दिया था, एक ये ताबीज़ दिया गले में बांधने के लिए, एक ये बाजू पर बांधने के लिए दिया है। लेकिन उस दिन के बाद, और जल वगैरह भी दिया मेरे को पीने के लिए, उस दिन के बाद मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा, उस दिन का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिखता भी, उसके बाद मेरे को कोई नज़र नहीं आया, ना कोई मेरे को प्रॉब्लम हुई, ना कोई वो फाइल की आवाज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद से छोड़ने के बाद मैंने उड़ीसा छोड़ दिया। अच्छा, उड़ीसा छोड़ दिया मैंने बिल्कुल, अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली में ही? जी, दिल्ली में रह रहा हूँ, दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ कोई टेंशन ऐसी नहीं है, ये मेरे साथ रियल में हुआ है, तब से मैं मानने लगा उन चीज़ों को होता है। तो गाड़ी जी, जैसे सर बता रहे हैं, ये रियल है, ये कोई मतलब ये नहीं कि हमने लिख लिया कुछ, ये बनावटी नहीं है, ये मेरे साथ रियल हुआ है, जो इनका अपना एक्सपीरियंस है सर वही बता रहे हैं। ये एक्सपीरियंस नहीं, मेरे साथ हुआ है, ये घटना मेरे साथ हुई है, और मैं इस घटना की निंदा भी करता हूँ कि ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, और आगे भी अगर जाए तो चारों तरफ अपना देख के जाए, मेरी यही गुजारिश है। तो ओके गाइस, ऐसी स्टोरी बस मेरे साथ यही हुआ है, हाँ जी, और मैं नहीं चाहता किसी भी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। सही बात, होना भी नहीं चाहिए गाइस ऐसा किसी के साथ। जी, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, कभी भी नहीं मानता था, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को कि नहीं, और तब से मैं ऊपर वाले पर भी भरोसा करता हूँ कि हाँ नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, रियल में होती हैं, ये हकीकत है, ये रियल में होती है। मैं ये मेरे ऊपर भी था, मैं
किसी के ऊपर बोलता मैं उनका भी मजाक उड़ाता, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा मैंने सुना ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन रियल जब मेरे साथ हुआ, मैंने इस चीज़ को पूरा जाना है, माना है, पूरी अच्छी तरह मैं मानता हूँ। हाँ मैंने ये सुना है, मतलब जिनको जिनके साथ होता है ना वही जानते हैं, बाकी तो गाइस आपको बताइए मजाक ही उड़ाएंगे, बाकी तो जिनके साथ होता है भाई वही जानता है कि नहीं सर। मेरा यही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ये आपके अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर। एक्सपीरियंस नहीं, मेरे साथ रियल में हुआ है। हाँ जी, एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरे साथ रियल हुआ है, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। आपने अपनी बीती हमारे साथ शेयर करी और इसको रियल मतलब ये एक्सपीरियंस करके ना, मतलब कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा ये है कि मेरा रियल है, ये रियल मेरे साथ बीता हुआ। धन्यवाद। तो थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जो सर ने बताया वो एकदम रियल था, कोई ये मत समझना कि मतलब मैं खुद बना रहा हूँ या मैं कुछ ज़बरदस्ती की, नहीं ये सब कुछ था जो रियल था। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी आपके लिए स्टोरीज नहीं रियल स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। थैंक्स गाइस, और सब्सक्राइब करना भूलना। ओके गाइस।